हाय जॉब एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जॉब करेगा इंडिया। तो आज मैं आपके लिए एक नई जॉब अपडेट लेकर आई हूँ, जो कि आई है नाइजर की तरफ से, विच इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसमें आपके पास साइंटिफिक ऑफिसर के लिए पोस्ट जो है वो आउट हुई है। सो यहाँ पे आपके पास वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी आउट हुई है, जिसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर और ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें साइंटिफिक ऑफिसर डी किस किस पोस्ट पे वैकेंसी आउट हुई। सबसे पहले देखते हैं कि आपके पास साइंटिफिक ऑफिसर डी मेडिकल फिजिक्स में आपके पास एक वैकेंसी है, जो कि जनरल कैटेगरी की है। यहाँ से आप पे लेवल देख सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा है। 67,700 आपकी बेसिक सैलरी है और आफ्टर अलाउंसेज ये सैलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट है साइंटिफिक ऑफिसर डी फिजिक्स, इसमें आपके पास 3 वैकेंसीज हैं जो कि सारी जनरल कैटेगरी की हैं। साइंटिफिक ऑफिसर सी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपके पास एक वैकेंसी है, और साइंटिफिक ऑफिसर सी जिसमें आपके पास मेडिकल फिजिक्स और रेडिएशन बायोलॉजी और न्यूक्लियर मेडिसिन है, इसमें आपके पास एक वैकेंसी है जनरल कैटेगरी की। यहाँ से आप पे डिटेल्स देख सकते हो। नेक्स्ट हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एज की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पोस्ट कोड 1 साइंटिफिक ऑफिसर डी मेडिकल फिजिक्स, इसमें आपके पास एक पोजीशन है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर आपने PhD की हुई है फिजिक्स में या फिर मेडिकल फिजिक्स में विद MSc इन मेडिकल फिजिक्स, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ अगर आपने MSc फिजिक्स की हुई है, पोस्ट MSc फिजिक्स डिप्लोमा इन रेडियोलॉजिकल फिजिक्स, तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एज अगर आपके पास आप अपर एज लिमिट 40 इयर्स दी हुई है, एक्सपीरियंस है कि आपके पास PhD के बाद कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन इन एरियाज़ में, आप देख सकते हो। नेक्स्ट इज़ डिज़ायरेबल, अगर आपके पास UG और PG लेवल पे टीचिंग एक्सपीरियंस है तो ये डिज़ायरेबल में डाला गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्ट कोड 2 साइंटिफिक ऑफिसर डी फिजिक्स, तो इसमें आपके पास 3 वैकेंसीज आउट हुई हैं। असेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर आपने PhD की हुई है एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स में, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एज आपके अपर एज लिमिट 40 इयर्स दी हुई है और एक्सपीरियंस आपके पास PhD के बाद 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए इन इन फील्ड्स में होना चाहिए, ये भी आप आराम से देख सकते हो। इस PDF का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट इज साइंटिफिक ऑफिसर सी इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें एक पोस्ट है। अगर आपने BE या BTEC किया है इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में और इंस्ट्रूमेंटेशन में, और आपकी एज 36 ईयर्स से कम है और आपके पास कम से कम 4 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट इज पोस्ट कोड 4 साइंटिफिक ऑफिसर सी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास एक वैकेंसी है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मेंशन है कि अगर आपके पास रेडिएशन बायोलॉजी में MSc है या फिर मेडिकल फिजिक्स में या फिर लाइफ साइंसेज में अगर आपके पास MSc है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर MSc न्यूक्लियर मेडिसिन और पोस्ट MSc डिप्लोमा इन रेडियोलॉजिकल फिजिक्स, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपकी अपर एज लिमिट यहाँ पे मेंशन है 36 इयर्स और एटलीस्ट 4 इयर्स का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है, किस फील्ड में, रेडियोथेरेपी और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और सेलुलर इफेक्ट्स पे। नेक्स्ट इज जॉब प्रोफाइल, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे टीचिंग करनी है जो मेडिकल और रेडियोलॉजिकल फिजिक्स के टॉपिक्स पे आपको यहाँ पे पढ़ाना है, और आपको टीचिंग लेबोरेटरी ये सब कुछ सेटअप करना है। नेक्स्ट इज शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसीजर, इसमें आपके पास ये है कि आपको जो भी कैंडिडेट जो है ये सारी एलिजिबिलिटी फुलफ़िल करता है, तो उसको मार्क्स के बेस पे जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। मास्टर्स और ग्रेजुएशन लेवल पे आपके कैसे मार्क्स हैं उसके बेसिस पे। नेक्स्ट इज़ कि आपके ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस देखे जाएंगे, कि जिसको ज़्यादा ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। बाकी जो फाइनल सिलेक्शन है वो प्योरली इंटरव्यू बेसिस पे है, आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे मैं आपको लास्ट डेट वगैरह सब कुछ बता देती हूँ कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ये आपके पास जो है इस वेबसाइट पर अप्लाई करना है, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। लास्ट डेट 10th June 2021 है, इससे पहले आपको जो 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 सर्टिफिकेट्स अटैच करने हैं वो सब यहाँ पे मेंशन है, और इस ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।